स्वागत है गाइज आपका एक और नए वीडियो में। गाइज अगर आपका यूट्यूब चैनल जो है एक महीना दो महीना तीन महीना इस तरीके से अगर पुराना चैनल है चाहे नया चैनल है ठीक है, किस तरीके से शॉर्ट वीडियो पे व्यूज लेके आना है आज एक नया मेथड गाइज मैं आपको बताऊंगा। और वो गाइज मेथड आपको अपने चैनल पे इंप्लीमेंट करना होगा ना कि वीडियो पे, ठीक है। वीडियो पे कुछ नहीं करना है, वीडियो पे जो आप करते हो जैसे मैंने बताया कि आपको टाइटल में हैशटैग वगैरह लगाना है, डिस्क्रिप्शन में हैशटैग लगाना है, इस तरीके से सब कुछ जो आप लगाते हो वो तो चलो साइड में हो गया, उसको आप छोड़ दो ठीक है। लेकिन गाइस मैं चैनल में आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो अप्लाई कर दो ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, बहुत सारे क्या गाइस 99% ऐसे क्रिएटर जो ये जो मेथड बताने वाला वो करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते हैं ठीक है। चलिए गाइस पूरा प्रोसेस समझते हैं कि किस तरीके से आपको अपना मेथड को ये जो मैं बता रहा हूँ इसको अप्लाई करना है ठीक है। अप्लाई करते हैं गाइस आपका जो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, जादू हो जाएगा गाइस आपके साथ में ठीक है। वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में गाइस मैं प्रमोशन कोड भी बताऊंगा, तो जिसका अपना चैनल गाइस प्रमोट करवाना है ठीक है, तो वीडियो को लास्ट में मैं कोड बताऊंगा, वो कोड गाइस आप कमेंट में जरूर करना ठीक है। जिसका पहला कमेंट आएगा मैं उसका चैनल कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना, फुल वॉच करना ठीक है। चले गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो सबसे पहले एक चैनल है, एक भाई को मैं चैनल जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वही मेथड बताया था, तो इस भाई ने अप्लाई किया था उसको रिजल्ट मिला ठीक है। रिजल्ट मैं इसीलिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। देखिए गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं यूट्यूब पे, एक चैनल है ठीक है, ये चैनल गाइस आजी स्पोर्ट ठीक है। आजी स्पोर्ट इनके चैनल पे देख लीजिए 97 वीडियोस पड़ी हैं, 1.84 की में सब्सक्राइबर है ठीक है। अभी इनके शॉर्ट वीडियो पे आ जाते हैं, शॉर्ट वीडियो पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए गाइस किस तरीके से इनके पॉपुलर वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे देख लो 2.4 लाख व्यू का 1.1 लाख व्यूज है, मतलब लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं ठीक है, लाखों में हज़ारों में लाइक इस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं। और सिर्फ इनका चैनल कितने महीने पुराना है, अबाउट के सेक्शन में आ जाओ तो यहाँ पे देखो 7 फरवरी 2023 को ये चैनल क्रिएट हुआ है ठीक है। अब इस भाई ने किया क्या है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है अबाउट के डिस्क्रिप्शन में, अबाउट के डिस्क्रिप्शन में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस ये मेथड है, इसको आप अप्लाई करना है। किस तरीके से इन्होंने पहले तो स्टार्टिंग के जो कुछ वर्ड हैं वो अपने चैनल के बारे में लिखा है ठीक है। फिर गाइस मैंने इनको बताया कि अगर आपका चैनल चाहे गेमिंग से रिलेटेड हो, चाहे क्रिकेट से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का अगर आप वीडियोस बनाते हैं ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आप वीडियोस बना, किसी भी कैटेगरी का आप वीडियो बनाते हैं, वो जो कैटेगरी होगी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना होगा। जैसे ये भाई जो हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो ये जो अबाउट के सेक्शन में हैशटैग YT शॉट लेवल शॉट क्रिकेट स्पोर्ट ठीक है, क्रिकेट लाइव इस तरीके से इन्होंने हैशटैग में लगाया है और यहाँ पे बड़े बड़े क्रिएटर के नाम भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, हैशटैग विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, इंडिया, ICC, इस तरीके से इन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस समय चल रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे BCCI वगैरह CSK सब कुछ यहाँ पे फिल कर दिया है ठीक है। फिर इससे होगा क्या, इससे ये होगा गाइस कि YouTube का मेथड जो होगा वो आपकी वीडियो को शॉर्ट फीड में ऐड करेगा। कोई भी अगर बंदा क्रिकेट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है तो इसमें से कीवर्ड जो है आपके शॉर्ट फीड में मैच करेगा, उससे आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगी, शॉर्ट फीड में ज़्यादा जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक है। ये तो होगा पहला पॉइंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि आपको अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैशटैग ऐड कर दो नहीं, अगर आपका चैनल नया नया है तो ठीक है, एक दो महीने पुराना चैनल है तो ये आपको सारा कीवर्ड ऐड कर देने होंगे ठीक है। इससे गाइस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इससे बेनिफिट ये शायद शॉर्ट फीड में आपकी वीडियो जाने का चांस बना रहता है ठीक है। अभी इनके वीडियो पे आ जाओगे तो इनके जो वीडियो का सारा वीडियो आप देख सकते हो, इसका सैचुरेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है ठीक है, सैचुरेशन अब बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से भाई ने किया है, कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसे करना वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो है काइन मास्टर, जो भी आप किसी भी एप्लीकेशन से वीडियोस आप एडिट करते हैं तो उसका जो सैचुरेशन होता है, कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसको हाई कर देना होगा ठीक है। उसको जब हाई कर देंगे तो आपकी वीडियो थोड़ा सा लाइटली दिखने लगेगा, इससे ऑडियंस थोड़ा और अट्रैक्टिव होगी ठीक है, तो आपकी वीडियो को ज़्यादा वॉच करेगी ठीक है। तो ये कुछ मेथड है गाइज वीडियो को एडिटिंग में और यहाँ अबाउट के सेक्शन में ठीक है। ये दोनों मेथड गाइज आप अपनी वीडियो में इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा ठीक है। तो ये तरीका कैसा लगा गाइज कमेंट में जरूर बताना, कोड जरूर बताना, आज का कोड है गाइज 700 ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो और चैनल गाइज मैं प्रमोट कर दूंगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलता है गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद जय भारत।